हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन, फिर मिरर फॉर्मूला एंड नेक्स्ट मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और उनके यूजेस को देखा है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, है ना। और ये जो साइन कन्वेंशन है वो मिरर के फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है या मैग्निफिकेशन से जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हर स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी वो जो है मिरर के फॉर्मूले या लेंस फॉर्मूले को जो अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन सिर्फ मिरर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप लेंस के टॉपिक में भी अच्छे से वहां पे लेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग दो मिरर ले रहे हैं, एक हमारा कॉनकेव मिरर है और दूसरा हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा क्या है पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं, एक फोकस और एक हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पे हम लोग कहीं पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, मे बी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या किया प्लेस किए, तो हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर में हम किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से एक रेज हमारा क्या हुआ पैरेलल गया, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, क्लियर स्टूडेंट, फोकस से पास किया। दूसरा जो रेज है वो कहां से इसको भेज रहे हैं फोकस से, और ये फोकस से जब गया तो ये टकराया मिरर पे जाके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या इमेज है और ये हमारा क्या स्टैंड ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज है ना, अगर हम इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में चलते हैं तो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो जो भी डिस्टेंसेस होगा उन डिस्टेंसेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना, प्लस लेते हैं, ठीक है। बट अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आ रही है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है उसके डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए अगर इंसिडेंट ये हमारा इंसिडेंट रे है तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो जो भी डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे टेकन एज पॉजिटिव, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। तो अगर हम पोल से इस डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम कैसा लेंगे टेकन एज नेगेटिव, है ना। और जो भी डिस्टेंसेस हम यहाँ पे मेजर करेंगे फ्रॉम कहाँ से मेजर करेंगे पोल से, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, यानी 0.0, ठीक है, ये हमारा क्या है 0.0। तो यहाँ से ओरिजिन से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो जो भी वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, ये ओरिजिन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है पोल, तो अगर हम पोल जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे पोल से, ठीक है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग चल रहे हैं तो वो वैल्यू हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का हाइट का बात करें तो ऑब्जेक्ट ये जो है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अपवर्ड डिस्टेंसेस आर टेकन एज इज टेकन एज पॉजिटिव, जो भी अपवर्ड डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैसा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किधर बन रहा है नीचे बन रहा है, ठीक है। तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ना, तो हमारा जो साइन होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा टेकन एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए ये मिरर ये तो कॉनकेव का केस था, सिमिलरली हम लोग कहां पे जा सकते हैं कन्वेक्स में भी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, ठीक है, ये इसका क्या है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो गया पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस फोकस से पास होगा और ये लाइट हमारा कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर है। और दूसरा हमारा कहां से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया, ये दोनों इमेज दोनों रेज यहाँ पे कट कर रही है, ये हमारा क्या बन गया इमेज और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम केस होगा, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो जो भी वैल्यू डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे टेकन एज पॉजिटिव
और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो वैल्यू कैसा लेंगे, नेगेटिव। और जो भी डिस्टेंसेज मेजर करना है वो मेजर कहां से करेंगे, फ्रॉम पोल से, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे यदि आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री अगर मैथ का याद रखते हैं तो बस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के हेल्प से जो है आप पूरे साइन कन्वेंशन को बहुत इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑरिजिन मान लेना है, ऑरिजिन की जगह पे यहाँ पे कौन है, पोल है। तो ऑरिजिन से अगर हम लोग इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर चलते हैं तो नेगेटिव, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव और नीचे चलते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए इसी को बेसिस पे सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, वर्ड में जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े। तो पहला क्या है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी जितने भी डिस्टेंसेज हम लोग मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक है। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम कैसा लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, और इंसिडेंट रेस के अगर हम अपोजिट चलते हैं तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको कैसा लेंगे, नेगेटिव के साथ लेंगे, ठीक है। अपवर्ड डिस्टेंसेज आर टेकन एज पॉजिटिव, जो ऊपर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जो हाइट है ये हाइट कैसा लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे इमेज का हाइट कैसा लेना है, नेगेटिव। बट ऑब्जेक्ट का हाइट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। वहीं पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव लेंगे, और इमेज भी कैसा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी इमेज भी कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमको हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर क्या करेंगे, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो टेकन एज पॉजिटिव, और अगर उसके नीचे ले रहे हैं तो टेकन एज नेगेटिव, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला की ओर, तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, तो 1/f = 1/v + 1/u, जहां पे f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी स्टूडेंट यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच हम लोग एक रिलेशन सेटअप करते हैं, उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं है, हायर क्लासेस यानी 12th स्टैंडर्ड में इसको ड्राइव करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को इस फॉर्मूला से ही काम चलाना है ना, यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या, नॉट में कि यू भी एफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन, यानी यहाँ पे यू भी और एफ का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन पे, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उसका फिगर कैसा हमारा बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे यू भी एफ जो है कभी पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यू भी और एफ का पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो मिरर हम लोग लिए हैं, कंकेव और कन्वेक्स। तो पहले कंकेव में इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा एफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, ठीक। तो इमेज का फॉर्मेशन करना है तो क्या करेंगे, एक पैरेलल रेज जाएगा जो कहां से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। और एक दूसरा फोकस से जो पास करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये हमारा क्या है, पोल है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े कि जो भी डिस्टेंसेज हमें मेजर करना है कहां से हम मेजर करेंगे, पोल से। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं कहां से, पोल से। तो पोल से अगर मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इंसिडेंट रेस का डायरेक्शन है ना, उसके अगर अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू, ठीक। यू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पोल से मेजर करेंगे तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं यू से। तो यू कैसा आ गया, नेगेटिव। अब देखिए इमेज, इमेज का भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पी से, यानी यहां से यहां तक। तो यहां से जब हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, तो अगेन हम लोग जो भी ले रहे हैं वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है।
बट अगर फोकल लेंथ देखें तो फोकल लेंथ भी क्या है, यहां से मेजर कर रहे हैं ठीक है, तो यहां से इधर मेजर कर रहे हैं तो यहां पे फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा ठीक है। तो कंकेव का हम लोग 6 इमेज फॉर्मेशन देखे थे ठीक, तो 6 इमेज फॉर्मेशन में जो 5 इमेज फॉर्मेशन है उन सब में यू और भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एफ तो ऑलवेज नेगेटिव है ना, अगर कंकेव मिरर का बात कर रहे हैं तो एफ हमेशा फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ठीक है। लेकिन जब इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे कंकेव मिरर का, तो उसमें जो 6 केस नंबर 6 था जहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग पी और एफ के बीच में रखे थे, तो जब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है ना, उस समय जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो कंकेव के केस में जो भी होगा वो नेगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव होगा ठीक है, दोनों ही होगा। तो 5 जो केस होगा 1 से लेके 5 तक, उस केस में भी हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन 6 वाला जो केस होगा उस टाइम पे हमारा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट यू ऑलवेज नेगेटिव है ना, एफ ऑलवेज नेगेटिव। तो कंकेव के केस में यू हमेशा नेगेटिव होता है, एफ हमेशा नेगेटिव होगा, बट भी जो है वो मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है एफ के इधर ही है ना, यानी पी और एफ के बीच में नहीं है, तो हमारा नेगेटिव होगा। बट अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो फिर हमारा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है। अब देखिए इस पे, अगर यहाँ पे हम लोग कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ठीक है, और ये इसका क्या है, एफ है, और ये इसका क्या हो गया, सी हो गया ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से पैरेलल रेज गया, ये फोकस से पास करे, फोकस पे जाके मिट करेगा, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग भेजे ठीक है, ये सेंटर ऑफ द इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगा, ये हमारा इमेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम पोल है ये हमारा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर चलेंगे, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ठीक है। भी बताइए तो भी हमेशा इधर, तो कॉन्टेक्स्ट के केस में जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही होता है ना, तो जितना भी होगा वो सब इसी डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे, तो भी यहाँ पे हमें ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एफ, अब एफ देखिए पोल से इधर चलना है, तो पोल से इधर चलना है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ठीक है। ये कहां पे आ गया, तो ये कन्वेक्स के केस में, तो कन्वेक्स के केस में यू हमेशा नेगेटिव होता है बट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और एफ भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा है ना। तो ये इसलिए बोला गया यहाँ पे यू भी एफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन ठीक। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेना है कि अगर कंकेव है तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, भी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, बट एफ ऑलवेज नेगेटिव। बट अगर कन्वेक्स है तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, बट बाकी दो चीजें जो है भी और एफ वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये नोट हमारा ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं मिरर पे बेस्ट न्यूमेरिकल ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कंकेव मिरर। तो पहले स्टूडेंट हम लोग कंकेव मिरर पॉप कर लेते हैं ठीक है। तो ये हमारा कंकेव मिरर, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट वो कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे है ना कंकेव मिरर के, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, स्मॉल एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्लियर स्टूडेंट। तो अगर फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर पे हो जाएगा ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े आर इक्वल टू 2 एफ। अब ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में प्लेस्ड है कहीं पे है ना, तो ये हमारा सी और एफ के बीच में है ठीक है। अब बोल रहा है कि वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, इसका इमेज कहां पे हमको मिलेगा ठीक है, मतलब हमको क्या बताना है, भी बताना है ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और u कितना है, 20 सेंटीमीटर है क्लियर है। वी हैव टू फाइंड आउट भी ठीक। तो जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो गिवन क्वांटिटी में क्या है, f, और f कितना है, 20 सेंटीमीटर। बट देखिए यहाँ पे कौन सा मिरर है, कंकेव मिरर, और हम लोग पढ़े अभी कि कंकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। अब क्या गिवन है, u गिवन है, तो u इक्वल टू देखिए कितना है, 30 सेंटीमीटर ठीक है, यहाँ पे 30 है, तो u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, तो पोल से हम इधर की ओर आ रहे हैं, है ना, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं, तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा हमें फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो मिरर फॉर्मूला, तो 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, हमें भी निकालना है, तो ये वाला जो भी है इसको एडजेक्टिव चलाने देंगे, 1 upon u को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon v = 1 upon f, अब इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 1 upon u, क्लियर है। चलिए तो 1 upon v 1 upon f, f की जगह पे कितना पुट करेंगे, -20 माइनस u की जगह पे -30, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पे 1 upon v = -1 upon 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 upon 30, ठीक है। तो इसको पहले लिख ले रहे हैं, तो 1 upon v = 1 upon 30 - 1 upon 20, ठीक है। तो 1 upon v = LCM ले लेंगे, 60 आ जाएगा, तो LCM 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 2 का 1 से तो 2, माइनस 60 को डिवाइड करना है 20 से तो 3 टाइम्स में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 1 upon v = -1 upon 60, क्लियर स्टूडेंट। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट पे लिखेंगे तो देयरफॉर हमारा जो v होगा वो कितना आ जाएगा, -60 cm, क्लियर है। यानी जो इमेज बनने वाला है वो किधर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के सामने बनेगा, और कितने दूरी पे बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, क्योंकि इमेज जो भी है वो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया मतलब इमेज कहीं इधर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट 30 पे है तो इमेज किधर बनेगा, 60 पे, इधर कहीं इमेज हमारा बन रहा होगा, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, तो देखिए हम लोग एक टॉपिक कवर किए थे इमेज फॉर्मेशन पर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग लोकेशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो जो उसका जो इमेज बनता है वो अलग अलग लोकेशन पे बनता है। कॉनकेव में हम लोग क्या देखें कि अलग अलग लोकेशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जो उसका इमेज है वो अलग अलग लोकेशन पे बन रहा है, और कभी ऑब्जेक्ट से के कंपेयर में छोटा भी बन रहा है, और कभी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा भी बन रहा है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे रखें तो हम लोग क्या देखें कि हर केस में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, ठीक है, यानी डिमनेस बन रहा है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव के केस में क्या होता था, इमेज छोटा भी बनता था और उससे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा भी बनता था, ठीक है। तो कितना गुना हमारा बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है ना, यानी कितना टाइम्स इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या फिर कितने टाइम्स जो है वो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा है, ये चीज हमें कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ जो इमेज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं hi से, और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, h0 से, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब दूसरा जो इसका एक फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, वो दूसरा हमारा क्या है, तो साइज ऑफ एन इमेज अपॉन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका फॉर्मूला जो फाइनल आता है ये ड्राइव्ड फॉर्मूला है, m = -b/u, ठीक है स्टूडेंट। ये दो फॉर्मूला है किसका, मैग्निफिकेशन का, तो आप इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं।
और ये फर्स्ट वाले के बेसिस पे भी जो है मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बट मैग्निफिकेशन का बेसिक मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, ये हमें कौन बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हो गया, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब देखिए ये दोनों को अगर हम कंपाइल करते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी आपको इमेज U दिया रहेगा, V दिया रहेगा, ठीक है, एच नॉट दिया रहेगा, आपको फाइंड क्या करना रहेगा? एच आई फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होने वाला है वो यही यूज होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग केसेस को भी देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट में क्या है कि इफ एम ग्रेटर देन वन, ठीक है, एम क्या हो गया? बड़ा हो गया। किससे? वन से। तो अगर एम का वैल्यू वन से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब है जो हमारा इमेज बन रहा है ना, इमेज जो बन रहा है वो क्या है? मैग्निफाइड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, केस नंबर टू में क्या देख रहे हैं कि इफ एम इक्वल टू वन, यानी एम का जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? वन आ गया। क्लियर है? वन आ गया। इसका मतलब कब ऐसा हो सकता है? जब एच नॉट और एच आई दोनों का वैल्यू क्या हो? सेम हो, है ना। और वन कब आएगा? तो जब ये वाला वैल्यू छोटा, ये वाला वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तभी ये वन, एम जो है ग्रेटर देन वन होगा। ठीक, अगर एम इक्वल टू वन है इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। तो अगर एम इक्वल टू वन आ गया इसका मतलब है कि ये सेम साइज के है ना, सेम साइज का। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा क्या है? इमेज है। थर्ड केस देखिए, थर्ड में क्या है? इफ एम लेस देन वन, यानी जो एम का वैल्यू है वो एम का वैल्यू क्या आ गया? वन से छोटा आ गया। तो वन से छोटा आ गया इसका मतलब है जो हमारा इमेज है वो इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है? छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीन केस। एक और चीज देखना है यहाँ पे, जो हमारा मैग्निफिकेशन है, अगर वो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ जाए? नेगेटिव, या फिर अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाए? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा जो इमेज होगा वो इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसा होगा हमारा? इन्वर्टेड। बट अगर मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज है वो इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए जो इन्वर्टेड है इसका मतलब क्या है कि वो रियल होगा, है ना। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? वो रियल होगा। और अगर इरेक्ट आ रहा है इसका मतलब है कि वो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक चीज है मैग्निफिकेशन का, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो अगर आपको इतना चीज याद है तो आप अच्छे से जो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड या मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एम ग्रेटर देन वन आ गया मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है, एम इक्वल टू वन आ गया मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या है? सेम है। एम लेस देन वन आ गया मतलब इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बन रहा है। और अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आ गया इसका मतलब इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। और अगर वो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि वो रियल है। ठीक है, और अगर एम हमारा पॉजिटिव आ गया तो इमेज हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। और जो इमेज हमारा इरेक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका डिफिनेशन यहीं से आप लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज अपॉन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन को भी लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कनकेव मिरर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने का है? 2 सेंटीमीटर हाइट का है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर,
यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू गिवन एज 30 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और उसका जो इमेज बन रहा है मतलब भी कितना दूरी पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ द इमेज यानी एचआई क्या करना है हमें, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफ इमेज कहीं पे अगर मान लीजिए रखे हुए हैं, कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर इधर कहीं पे बन रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमेज है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो हमें एच आई निकालना है, तो हम लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है क्या, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्लियर स्टूडेंट? अब जो भी डिस्टेंस लेंगे यू, तो पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से हम इधर चल रहे हैं मतलब नेगेटिव लेना है, ठीक है, और भी तो भी भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे नेगेटिव, अब भी जो है वो कितना है, माइनस 60, ठीक है, और यू जो है वो भी कितना है, माइनस 30। क्लियर स्टूडेंट? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 कटेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे, तो देखिए एम इक्वल टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 2, है ना, एम इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए एम इक्वल टू माइनस 2 आ गया, बट हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग के पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है मैग्निफिकेशन का, तो दियर फोर एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 रख दे रहे हैं, है ना, इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज तो हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख दे रहे हैं अपॉन एच नॉट। एच नॉट देखिए कितना है, तो एच नॉट हम लोग को पता है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बोल रहा है, तो ये हमेशा कैसा लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, एच आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 4 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो हाइट ऑफ इमेज जो आया वो हमारा कितना आ गया, माइनस 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी हाइट ऑफ इमेज माइनस 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किधर बना है, नीचे बना है ना, तो नीचे बना है, तो इमेज हमारा कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और इन्वर्टेड के साथ साथ जो इन्वर्टेड है वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट?